मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट लाइपोसक्शन, क्या क्या मिथ्स और क्या क्या भ्रांतियां हैं लाइपोसक्शन प्रोसीजर को लेके। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लाइपोसक्शन वो प्रोसीजर है जिसमें की बॉडी का जो एक्सेस फैट होता है स्किन और मसल्स के बीच में किसी भी एरिया से बॉडी के किसी भी पार्ट से बॉडी के उसे बहुत ही फाइन ट्यूब्स के साथ रिमूव करना इस लाइपोसक्शन। अब लाइपोसक्शन प्रोसीजर के साथ तो बहुत कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स एसोसिएटेड हैं जो कि काफी हद तक गलत है। जैसे कि सबसे पहला एक बहुत कॉमन मिथ्स जो हमें मिलता है लाइपोसक्शन प्रोसीजर जो कराने आते हैं पेशेंट्स को, उनसे क्वेरी करते हैं कि साहब लाइपोसक्शन से वेट लॉस कितना होगा। तो देखिए, लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है वो एक वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है, वो इंच लॉस का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है बॉडी कंटूरिंग का, बॉडी रीशेपिंग का। सो हाँ, ये जरूर है कि जब आपका बॉडी का स्वेलिंग कम होती है, एडिमा रिड्यूस होता है, हीलिंग प्रॉपर होती है, तो कुछ थोड़ा वेट रिडक्शन जरूर होता है, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस होता है लाइपोसक्शन का वो होता है कि रेगुलर डाइटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बॉडी से अगर फैट नहीं जा रहा है, वो रेजिस्टेंट फैट है, तो उसे लाइपोसक्शन से रिमूव करना, इंच लॉस करना, बॉडी को एक अच्छी शेप देना और एक प्रॉपर कंटूरिंग देना। द मिथ इज दैट लाइपोसक्शन इज अ वेट लॉस प्रोसीजर, बट द फैक्ट इज लाइपोसक्शन प्राइमरीली वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, प्राइमरीली लाइपोसक्शन से इंच लॉस होता है और बॉडी रीशेप या रिकंटूरिंग होती है। दूसरा एक जो मिथ या फैक्टर जो पेशेंट हमसे डिस्कस करता है वो ये है कि लाइपोसक्शन एक डेंजरस प्रोसेस है। सो देखिए, डेफिनेटली कई बार न्यूज में आता है, मीडिया में आता है कि किसी सेलिब्रिटी की, और तो बहुत रेयरली आती है ये चीज कि सेलिब्रिटी की इस लाइपोसक्शन प्रोसीजर के बाद डेथ हो गई या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। सो वो बहुत एक जिसे कहते हैं कि छोटा पार्ट है स्टोरी का। अगर लाइपोसक्शन एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से, ट्रेंड डॉक्टर से, एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से, एक प्रॉपर सेटअप में करवाया जाए तो लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। लेकिन यही लाइपोसक्शन अगर आप नॉन मेडिकल पीपल से या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से या फिर जो कि ट्रेंड नहीं है लाइपोसक्शन प्रोसीजर के लिए और रेगुलरली नहीं करते लाइपोसक्शन प्रोसीजर, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती है लाइपोसक्शन की वो बढ़ सकती हैं और जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व है वो बढ़ सकता है। सो अगर हम बात करें रिस्क इन्वॉल्व की या डेंजर कितना है लाइपोसक्शन में, तो मिथ ये है कि लाइपोसक्शन ऑल टुगेदर इज अ डेंजरस प्रोसीजर, बट द फैक्ट इज लाइपोसक्शन अगर एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा किया जाए तो लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर। एक बहुत कॉमन मिथ है पेशेंट्स में कि लाइपोसक्शन के बाद फैट वापस आ जाता है। देखिए, इसको मैं इस तरह से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लाइपोसक्शन जब हम करते हैं तो जिस एरिया में भी लाइपोसक्शन करते हैं वहां से कुछ परसेंटेज ऑफ फैट सेल्स हम रिमूव कर देते हैं। सो वहां जिस एरिया में लाइपोसक्शन किया वहां पे फैट सेल्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है और स्किन श्रिंक कर जाती है और वो एरिया बॉडी के बाकी जो बाकी बॉडी है उसके प्रोपोर्शन में आ जाता है और एक अच्छी बॉडी शेप हो जाती है। लेकिन जिन एरियाज में लाइपोसक्शन नहीं किया है वहां पे जो नंबर ऑफ फैट सेल्स है वो उतना ही रहता है। सो इन केस अगर पेशेंट एक तरह से जिसे कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, थोड़ा सा डाइटरी रेजिम मेंटेन करता है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम मेंटेन करता है, तो फैट वापस नहीं आता है। ये जो रिजल्ट है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर पेशेंट ये सब चीजें मेंटेन नहीं कर पाता है, एक प्रॉपर डाइटरी रेजिम मेंटेन नहीं करता है, प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम नहीं मेंटेन कर पाता है किसी भी कारण से, तो फैट थोड़ा वापस आने के चांस रहते हैं। लेकिन वो इस तरह से एक्सेसिव फैट पॉकेट्स या बल्जेस की फॉर्म में नहीं आता है, वो यूनिफॉर्म फैट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से बॉडी में आता है, जिसे कि वापस डाइटिंग या जिसे कहते हैं अपने एक एक्सरसाइज रेजिम के साथ वापस वेट लॉस किया जा सकता है, फैट लॉस किया जा सकता है। एक और बहुत ही कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन है कि लाइपोसक्शन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए या फिर सेलिब्रिटीज के लिए होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। लाइपोसक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि प्राइमरी एम जो रहता है लाइपोसक्शन का वो रहता है बॉडी कंटूरिंग या फिर इंच लॉस। सो कुछ मेल्स जो कि एक तो एक कैटेगरी होती है कि बहुत ही मोटिवेटेड मेल्स होते हैं जो कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, उसके बाद भी काफी एरियाज से जैसे कि चेस्ट हो गया, लव हैंडल्स हो गए, फ्रंट एब्डोमेन हो गया या थाई हो गया, वहां से वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे या फैट लॉस नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। सो वो मेल्स भी लाइपोसक्शन करा के एक जिसे कहते हैं कि फैटलेस एरिया अचीव कर सकते हैं और प्रॉपर बॉडी की शेप अचीव कर सकते हैं इंच लॉस के साथ। हाँ, ये जरूर है कि जो टमी पे फैट होता है अगर वो फैट स्किन और मसल के बीच का है तो सिर्फ वो ही लाइपोसक्शन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। वो फैट अगर विस्ट्रल ऑर्गन्स या इंटरनल फैट है जो बॉडी के अंदर है वो फैट लाइपोसक्शन के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता है। सो वो कैंडिडेट्स लाइपोसक्शन के कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। सो द मिथ इज कि
लाइपोसक्शन इज मेंट ओनली फॉर वुमेन एंड सेलिब्रिटीज, जबकि फैक्ट ये है कि लाइपोसक्शन चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सेलिब्रिटीज चाहे नॉन सेलिब्रिटीज, जो भी इंच लॉस कराना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जिसको कि वो आगे अच्छे से मेंटेन कर सके, वो सब कैंडिडेट्स आइडियल कैंडिडेट्स हैं लाइपोसक्शन के लिए और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। एक अनदर कॉमन मिथ और मिसकंसेप्शन विद लाइपोसक्शन इज कि लाइपोसक्शन के बाद स्किन टाइट हो जाती है और बिल्कुल रिट्रैक्ट कर जाती है। देखिए, लाइपोसक्शन प्रोसीजर में सिर्फ बॉडी से फैट रिमूव किया जाता है, स्किन रिमूव नहीं की जा सकती। लेकिन अगर यंग पेशेंट है विद गुड स्किन इलास्टिसिटी और स्किन का जो है क्वालिटी अच्छा है, तो लाइपोसक्शन के बाद काफी ज्यादा केसेस में स्किन काफी अच्छे से रिट्रैक्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है और जो बॉडी का मस्कुलेचर है उस पर रिड्रेप कर जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे एज के साथ या फिर प्रेगनेंसी के बाद, जिन केसेस में स्किन काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है और स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं और एक इलास्टिसिटी की भी लिमिट अचीव हो चुकी है, उन केसेस में लाइपोसक्शन करने के बाद स्किन के लूज रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्किन का जो रिट्रैक्शन है वो पूरा 100% नहीं होता है। इन केसेस में जो एक्सेस स्किन है उसे सर्जिकली रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है। जब स्किन पूरा रिट्रैक्ट नहीं होता है तब सर्जिकली रिमूव करके उस जगह के बॉडी के उस पार्ट को प्रॉपर शेप दी जा सकती है। सो द मिथ इज कि लाइपोसक्शन से स्किन टाइटनिंग होती है, द फैक्ट इज लाइपोसक्शन से काफी हद तक केसेस में, काफी मेजोरिटी ऑफ केसेस में स्किन अच्छे से टाइट और रिट्रैक्ट करके और रीड्रेप कर लेती है एब्डोमिनल मस्कुलेचर पे। बट कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जहां पे की स्किन काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, काफी ज्यादा लूज है और स्किन क्वालिटी इज नॉट गुड, वहां पे स्किन पूरा रिट्रैक्ट टाइट नहीं होती है, उन केसेस में स्किन एक्सीजन प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट सबसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के बाद लाइपोसक्शन नहीं करवाना चाहिए। सो देखिए, लाइपोसक्शन अगेन इज अ इंच लॉस प्रोसीजर, बॉडी कंट्रोलिंग और रीशेपिंग प्रोसीजर। अगर आप मेडिकल इफेक्ट मिलते हैं और आपकी बॉडी फिट है उस सर्जरी को टॉलरेट करने के लिए, तो एज इज नॉट अ फैक्टर। लाइपोसक्शन आप कभी भी करा सकते हैं, जब भी आप चाहें, आपको लगता है कि बॉडी की शेप ठीक करानी है। बट मिनिमम एज जरूर हम मान के चलते हैं कि करीब 20-21 साल 22 साल पेशेंट की एज होनी चाहिए, सो दैट पेशेंट जो डिसीजन ले रहे हैं वो खुद मेच्योर हो। वो मिथ है कि लाइपोसक्शन की कुछ पर्टिकुलर एज होती है। एक्चुअली द फैक्ट इज लाइपोसक्शन, अगर आप मेडिकली फिट हैं, आप मोटिवेटेड पेशेंट हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं अपना बॉडी वेट कांस्टेंट प्रोसीजर के बाद और आप मेडिकली फिट हैं, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप लाइपोसक्शन कभी भी करवा सकते हैं, किसी भी एज में करवा सकते हैं। एक और बहुत बहुत कम लोगों में एक्चुअली ये मिथ हमने देखा है और बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि लाइपोसक्शन से क्या सेलुलाइट ट्रीट हो सकता है या नहीं। देखिए, लाइपोसक्शन करते हैं बॉडी के अंदर फैट पॉकेट्स या लोकलाइज फैट को रिमूव करने के लिए, जबकि सेलुलाइट एक ऐसा बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी के पार्ट में स्पेशली थाई और एब्डोमेन में, जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है और साथ में फैट होता है। सो लाइपोसक्शन इज नॉट एन आइडियल ट्रीटमेंट फॉर सेलुलाइट, बट हाँ, अगर कुछ इररेगुलरिटीज है, बम्पीनेस है, तो वो डेफिनेटली हम लाइपोसक्शन से इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज बॉडी के किसी भी एरिया में जहाँ पे की एक्सेस फैट है, रेजिस्टेंट फैट है, फैट पॉकेट्स हैं, वो लाइपोसक्शन से बहुत आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं। सो कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स थे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमने आपको आज बताए। और लाइपोसक्शन के बारे में किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।